प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम में से बहुत से भाई बहनों को संत दर्शन सिंह जी महाराज ने रास्ता दिखाया, सही रास्ता जीने का सिखाया, हमें समझाया कि हमें क्या करना है ताकि जो ज़िंदगी का असली ध्येय है वो हम जान पाएँ और उसको पूरा कर पाएँ। ये उनकी दया मेहर थी कि इस माया की दुनिया में जीते हुए हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर लगा। जितनी ऊंचाई तक हम पहुंच सके उतना ही हम उनको समझ पाए हैं। भारी रूप से वो एक संत सदगुरु के माफक हमें समझाते थे, प्यार करते थे, हमें हर किस्म की मदद दिया करते थे। हमें जब भी कोई तकलीफ़ हो तो कोई भी समय हो हम उनके पास जा सकते थे, और हम कहीं से भी आए हों उसका कोई उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था। वो अपना प्यार हम सबको दे देते थे, और इसीलिए लाखों लोग आज कहते हैं कि वो मुझसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। उनकी दया की दृष्टि हर एक के लिए खुली हुई थी, और जितना जितना हम उन्हें अनुभव कर पाए उतना उतना ही हम उन्हें समझ पाए। एक शिष्य अपने गुरु को उतना ही समझ पाते हैं जिस ऊंचाई तक वो खुद पहुंच पाते हैं। महापुरुषों की ज़िंदगी की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो महापुरुष जो के कविता के रूप में कुछ न कुछ कह गए, खुद लिख गए, कहीं ना कहीं वो इशारे छोड़ जाते हैं कि वो कौन थे। संत दर्शन सिंह जी महाराज की लिखी हुई रचनाओं को जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमें वो मौके मिलने शुरू हो जाते हैं जिनके ज़रिए उनकी गहराई क्या थी वो हम जान पाएँ। एक जगह उन्होंने फरमाया है कि मेरा नाम दर्शने खस्ता तन, मेरा नाम दर्शने खस्ता तन, मेरे दिल में है कोई जौफगन, मैं हूँ गुम किसी की तलाश में, मुझे ढूंढता कोई और है। तो वो समझा रहे हैं कि चाहे मेरे शरीर में परफेक्शन ना हो, शरीर की हालत चाहे ख़राब हो, हम में से बहुत से भाई बहन जानते हैं कि छोटी सी उम्र में जब वो अपने सदगुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज को मिलने गए तो उस समय ट्रेन्स पे गाड़ियों पे जाना पड़ता था। दो दिन लगे उन्हें दिल्ली से अपने सदगुरु के पास पहुंचने के लिए, और इतनी ट्रेन्स भरी हुई थी कि उसके छत के ऊपर, गाड़ी के डब्बे के छत के ऊपर बैठ के जाना पड़ा। एक गरीब आदमी था जिसे बड़ी ठंड लग रही थी तो उसे उन्होंने अपना कोट दे दिया, और जब वो अपने सदगुरु को मिल के आए तो उस ट्रिप के बाद ही उन्हें दमे की तकलीफ़ हो गई। और हम देखते हैं कि वो तकलीफ़ उनके साथ काफ़ी देर तक रही। इसलिए ये जो शेर उन्होंने लिखा है, उन्होंने इसमें फरमाया कि मेरा नाम दर्शने खस्ता तन,
कि शरीर को चाहे कुछ ना कुछ तकलीफ हो, वो तंदुरुस्त अवस्था में ना हो, मेरे दिल में है कोई जोफेगन, लेकिन मेरे अंदर कोई रोशनी फैलाने वाला है। तो समझा रहे हैं कि वो कौन थे, कि उनके अंदर रोशनी फैलाने वाले उनके सद्गुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज हर समय थे, जो पिता परमेश्वर से एकमेक थे, प्रभु में लीन थे, कि उनके अंदर प्रभु की रोशनी, प्रभु की ज्योति, प्रभु की श्रुति, प्रभु का शब्द हर वक्त जागृत था। और वो किस अवस्था में रहते थे वो उन्होंने अगली लाइन में समझाया कि हम सब तो उन्हें एक सद्गुरु के माफिक देखते थे और हम सब चाहते थे कि हम उनसे मिलें, उन्हें जानें, उन्हें पहचानें, उनकी नज़दीकी पाएं। लेकिन वो किस अवस्था में, तो समझा रहे हैं कि मैं हूँ गुम किसी की तलाश में। वो हमारे कि मेरा ध्यान अपने सद्गुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज में है, क्योंकि उनके ज़रिए ही मैं पिता परमेश्वर में लीनूंगा, कि मेरा पूरा ध्यान प्रभु की ओर है और मुझे ढूंढता कोई और है, कि जो लोग प्रभु को पाने के रास्ते पर चल रहे हैं वो मुझे ढूंढ रहे हैं कि मेरे जरिए पिता परमेश्वर को पाएं। तो यहाँ संदर्शन सिंह जी महाराज कौन थे, क्या थे, वो उन्होंने थोड़े से लफ्ज़ों में ही कह दिया है। जब इस शेर की गहराई में जाएंगे तभी सही मायने में समझ पाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं। अगर ऊपर ऊपर से देखें तो वो कौन थे, वो क्या थे, वो हम समझ नहीं पाएंगे। तो संदर्शन सिंह जी महाराज, जिनके अपने कोई कर्म नहीं थे, ऐसे महापुरुष तो कर्मों के बगैर आते हैं, लेकिन हम सब का दुख दर्द दूर करने के लिए वो अपने शरीर पर भारी कर्म उठा लेते हैं। इसीलिए कभी कभी हम उन देखते हैं कि उनको शारीरिक तकलीफ होती है। ये नहीं कि वो उनके कर्म थे, ये हमारे कर्म। जब हम में से कोई भी उनके पास तकलीफ लेके जाता था तो वो हमारी तकलीफ दूर हो जाती थी। तो जो हमारे कर्म वो उठाते थे उसका असर शरीर के ऊपर ज़रूर आ जाता था। कई वाक्य हैं जिसमें के कोई इंसान आया, उसे कुछ ऐसी तकलीफ थी जो उसने एक्सरे भी कराई, डॉक्टरों को मिला और डॉक्टर ने कहा ये भारी तकलीफ़ है, और वो संदर्शन सिंह जी महाराज से मिला, उन्होंने एक्सरे भी देखी, उनसे बातचीत भी की और ये भी फरमा दिया कि मेरे सद्गुरु आप पर दया करें, पिता परमेश्वर आप पर दया करें। और दो हफ्ते के बाद जब वो इंसान चेकअप के लिए गया तो डॉक्टरों ने उसे कहा तो उसे बीमारी थी नहीं। ऐसे कई वाक्य हुए हैं। और बहुत से बार एक सद्गुरु की ज़िंदगी में वो ऐसे कर्म अपने आगे जिसने नाम की देना उनके ऊपर भी पैस कर देते हैं, ताकि उसकी संभाल हो सके जो भी तकलीफ सामने आ रही है। तो संदर्शन सिंह जी महाराज के कंधों पर जो नामदान की देन देने का जो बोझ पड़ना था, उससे कई साल पहले उन्होंने हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के समय में ही हम सब की मदद मिले वो बोझ उठाना शुरू कर दिया था। और तभी उस समय से उन्हें वो तकलीफ सहनी पड़ी, लेकिन उन्होंने हंसते हंसते से ही, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की ज़िंदगी के कई वाक्य हैं जब किसी ने बहुत जोर दिया एक ऐसे इंसान को नाम देने के लिए जिसके कर्म बहुत भारी थे, तो वहाँ से
वापस डेरे में गए और 2 हफ्ते के लिए बहुत बुखार उन्हें चढ़ा रहा, किसी से मिले नहीं। तो ऐसे महापुरुष हम सबके कर्मों को लेने के लिए ही आते हैं। और एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया है, यही हम सबको समझाया है कि एक पूर्ण महापुरुष कैसे हमें मदद करता है, क्योंकि हम तो शारीरिक रूप में उन्हें जानते हैं, जब तक शरीर से ऊपर उठेंगे नहीं उनका आध्यात्मिक रूप क्या है वो हमारी समझ में नहीं आएगा। तो जो अगर फरमाते हैं कि एक दर्शन ही मिला, औरों का गम खार हमें कि एक दर्शन ही मिला, औरों का गम खार हमें, अपने गम में तो जमाने को परेशान देगा। कि हर एक इंसान या कर्मों से बंधा, उसके अपने गम है, कोई ना कोई तकलीफ उसको है, उसके कर्म उसने काटने हैं, तो जो खुद कर्मों से बंधा हुआ है वो और किसी की क्या मदद करेगा। तो एक पूर्ण महापुरुष जो कर्मों से नहीं बंधा, जिसके कर्म नहीं है, वो ही हमारे कर्म उठा सकता है और वही मदद हम सबको बाहर की दुनिया में एक पूर्ण महापुरुष से मिलती है। अंदर की दुनिया में मददगार होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हम सब पिता परमेश्वर को पा सकते हैं, तो हमें मदद करते हैं कि हम अंदर की दुनिया में बढ़ें। पर वो भी ये भी जानते हैं कि अगर बाहर की दुनिया में हमें तकलीफें होंगी तो हम अंदर की दुनिया में बढ़ नहीं पाएंगे, तो हमें मदद करते हैं ताकि हमारी तकलीफें दूर हों और हम फिर तैयार हों ताकि अंदर की दुनिया में जाने के हम लायक हो जाएं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज बार 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 यही चाहते थे कि हम सब अपनी मंजिल तक पहुँचें। दादू साहब ने यहाँ इस भजन के ज़रिए समझाया है कि किस अवस्था में एक सच्चे शिष्य को होना चाहिए। वो फरमा रहे हैं कि अजूना निकसे प्राण कठोर। वो फरमा रहे हैं कि शरीर से हमने ऊपर उठना है और उठने के लिए करना क्या है कि दर्शन बिना बहुत दिन बीते सुंदर प्रीतम मोर। ये कह रहे हे मेरे सद्गुरु, हे मेरे सुंदर सद्गुरु, हे मेरे प्यारे सद्गुरु, आपके मुझे अंदर में दर्शन नहीं हो रहे, आपके दर्शन किए मुझे बहुत देर हो गई है। कि हम सब वो जो हमें करना चाहिए दर्शन पाने के लिए वो कई बार नहीं कर पाते, रोज़ाना भजन अभ्यास के लिए समय नहीं निकाल पाते और मन को शांत नहीं कर पाते, तो हमें अंदर में अपने सद्गुरु के दर्शन नहीं होते। तो फरमा रहे कि दर्शन बिना बहुत दिन बीते सुंदर प्रीतम मोर, और आगे फरमा रहे चार पहर चारों जुग बीते रैन गवाई भोर। कि चारों पहर दिन के गुजर गए हैं और रात में भी मुझे उम्मीद थी कि मुझे आपके दर्शन होंगे, लेकिन हो नहीं रहे। हो क्यों नहीं रहे? क्योंकि कमज़ोरी मेरी अपनी है कि जो आपका बताया हुआ रास्ता है उस पर मैं सही तरीके से चल नहीं पा रहा, ऐसी ज़िंदगी नहीं जी पा रहा जिसमें कि मैं एक सच्चा इंसान बन पाऊँ। और आगे फरमा रहे हैं कि अवध गई अजू नहीं आए कतू रहे त्रिकचोर। वो कह रहे हैं कि आपने तो फरमाया था कि आप मुझे ज़रूर मिलोगे, लेकिन आप मिल नहीं रहे। तो प्रार्थना यही की जा रही है कि आप मुझे आकर मिलिए। और आगे फरमा रहे हैं कि कबू नैन निरख नहीं देखे मारक चितवन चोर। वो कह रहे हैं कि अंदर में आपको बड़े ध्यान से मैंने कभी देखा नहीं। कई बार ऐसे होते जब नामदान के बाद भजन अभ्यास के लिए बैठते भी हैं तो जैसे जैसे हमारा ध्यान टिकता है कभी अपने सद्गुरु की झलक आती थोड़ी और फिर उसके बाद उनको क्लियरली हम देख नहीं पाते।
देख इसलिए नहीं पाते कि हमारा अभी तक कंसंट्रेशन जितनी होनी चाहिए उतनी हो नहीं रही। जितना काम हमने खुद करना उतना हम कर नहीं पा रहे। तो वो जो जो तकलीफें हमें अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंचने के लिए लगती हैं वो समझा रहे हैं। और आखिर में वो बता रहे हैं कि दादू ऐसे अतुर बिरहन जैसे चंद चकोर। तो वो कह रहे हैं कि मैं तो चकोर के माफक होने की कोशिश कर रहा हूँ पर हो नहीं पा रहा, क्योंकि जब मैं चकोर की माफक होऊंगा, जैसे चकोर चंद्रमा की ओर पूरा ध्यान देता है, जब एक आत्मा परमात्मा की ओर पूरा ध्यान देती है तभी वो प्रभु को पा सकती है। कि प्रभु के दर्शन करने के लिए हमें उस स्टेट में होना है जिसमें के हमारा पूरा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो, तभी हम प्रभु को पा सकते हैं। और ऐसी जिंदगी जीने के लिए सारे महापुरुष हमें समझाते चले आए हैं कि हम सच्चाई की जिंदगी जिएं, ऐसी जिंदगी जिएं जिसमें शांति हो, हलचल ना हो, अहिंसा का रास्ता अपनाएं, चाहे अपने आप को तकलीफ हो लेकिन हलचल ना करें, प्यार से जिएं, नम्रता से जिएं, निष्काम सेवा भाव से जिएं, औरों के मददगार हों, एक पवित्र जिंदगी जिएं। एक जगह संत दर्शन सिंह जी महाराज ने समझाया है कि जब आदमी शांति से जीता है तो कितना अच्छा होता है। फरमा रहे हैं कि हिंसा के मुकाबले में जब आती है अहिंसा, कि जहाँ पे हलचल होती है हिंसा आती है, तभी शांति चाहिए तभी अहिंसा चाहिए। कि हिंसा के मुकाबले में जब आती है अहिंसा, खुश हो के लहू अपना बहाती है अहिंसा। कि शांत अवस्था में होने के लिए अगर अपने आप को तकलीफ भी हो, कह रहे लू भी बह रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि शांति होनी चाहिए। जब तक इंसान शांत नहीं होगा तब तक वो प्रभु को पाने के लिए कदम उठा नहीं सकता। तो मकसद तो हर एक का पिता परमेश्वर को पाना है। जहाँ भी हिंसा होगी, जहाँ भी शांति नहीं होगी, वहाँ पर पिता परमेश्वर पाए नहीं जा सकते। तो चाहे हमें तकलीफ सहनी पड़े, हमें एटमॉस्फेयर को शांत रखना है। और जब सब कुछ शांत होगा तभी हमारी रूह सिमट पाएगी, तभी आत्मा अंदर के मंडलों में जाने के लायक होगी। और एक सच्चे शिष्य की स्टेट क्या होनी चाहिए। अब दुनिया में जब इंसान जीता है तो उसकी कोशिश होती है मेरी दोस्ती भी बढ़े, मैं यहाँ पे इंजॉय भी करूँ, चाहे उसको इंजॉयमेंट बाहर की जिस चीज़ों से भी मिलती है उसको लेते हैं, मैं सैर सपाटा भी करूँ। इंसान सोचता है कि इससे मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने उसके बारे में समझाया है कि सही खुशी कहाँ से मिलती है। तो अगर इस शेर को आप अपनी ज़िंदगी में ढाल लोगे तो आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचोगे। इस शेर में बहुत गहराई है। संत दर्शन सिंह महाराज फरमा रहे हैं कि औरों के वास्ते मैं ओ मीना ओ रख से जाम। कह रहे हैं जो दुनिया के लोग हैं उनके वास्ते वो शराब पिएं, पार्टियां करें, यहाँ पे दोस्ती करें, वहाँ पे दोस्ती करें, यहाँ की सैर करें, वहाँ की सैर करें, इससे बातचीत करें, उससे बातचीत करें, जो दुनिया के में चीज़ें लगती है कि भाई ये हमें खुशी देंगे, करें औरों के वास्ते वो हैं। कि औरों के वास्ते मैं ओ मीना ओ रख से जाम, अपने लिए तो खूने तमन्ना शराब है। वो कह रहे हमें जीना कैसे है, एक सच्चे शिष्य को कैसे जीना चाहिए। कि अपने लिए तो खूने तमन्ना, कि जो डिज़ायर्स हैं, तमन्नाएं हैं, इच्छाएं, उनका खून होना चाहिए, वो ख़त्म होनी चाहिए। जब इच्छाएं ख़त्म होंगी इस दुनिया की तभी हम पिता परमेश्वर को पा सकेंगे। तभी जो प्रभु को पाने की इच्छा वो प्रबल होगी, क्योंकि दुनिया की तो इच्छाएं पहले ये इच्छा पूरी करते करते इंसान थक जाता है तो दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी इच्छा पूरी करता है तो तीसरी शुरू हो जाती है, कोई इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती।
क्योंकि अंदर से मन नहीं चाहता कि हम प्रभु को पाएं, तो कोई ना कोई इच्छा हमें देता रहता है, और हम क्योंकि इतने समझदार नहीं है, हम उस इच्छा के पीछे पड़ जाते हैं। जब समझ सही होगी तभी वो ना कि अपने लिए तो खूने तमन्ना शराब है, कि जो हमारी इच्छाएं हैं डुदार हैं वो खत्म होनी चाहिए, वही मस्ती देंगे हमें। क्योंकि जब इच्छा दुनिया की चीजों के लिए नहीं होगी तो फिर हमारे कदम कहाँ बढ़ेंगे पिता परमेश्वर को पाने के लिए। और जिसने पिता परमेश्वर को पाले तो मस्ती के आलम में जी रहा है, उसको तो आनंद ही आनंद है, वो उसको मस्ती मस्ती है, उसको खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, उसको प्रेम ही प्रेम मिल रहा है। तो उस अवस्था में जाने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को काबू में करना है, उनको ख़त्म करना है, उनको हटा देना, उसको ज़िंदगी से परे कर देना है। जो दुनिया की इच्छाएं हैं वही इंसान को मारती हैं, तभी हम अपने आप को उस अवस्था में पाएंगे जो हमें चाहिए अपने कदम पिता परमेश्वर के को पाने के लिए, बढ़ाने के लिए। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने समझाया कि वो कौन थे, ये शेर उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के लिए कहा है, लेकिन ये शेर उनके ऊपर भी बिल्कुल लागू होता है। तो वो फरमा रहे कि ना तू अरब के लिए था ना अज़्म के लिए, कि जब ऐसे महापुरुष आते हैं वो किसी एक देश या दूसरे देश के लिए नहीं आते, कि ना तू अरब के लिए था ना अज़्म के लिए, एक आस्ती था जमाने की चश्मे नम के लिए। कि ऐसे महापुरुष उनकी बाहें आस्तीन बाहें होती हैं, जो जब भी किसी को तकलीफ होती है, कि एक आस्ती था जमाने की चश्मे नम के लिए, जब तकलीफ होती है तो आंखों से आंसू बहते हैं, तो उनको रोकने के लिए उनकी बाहें होती हैं, ताकि कोई आके उनको गले मिलता है, उनके नज़दीकी पाता है तो उनके दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ऐसे ही थे, हम में से जब भी किसी को तकलीफ होती थी और हम उनके पास जाते थे तो हम सब की तकलीफ़ें दूर हो जाती थी। बहुत से भाई बहन मैंने खुद देखे हैं अपनी आंखों, जो बड़ी तकलीफ में बड़े रोते हुए उनके पास जाते थे, उनको कुछ क्षणों के लिए मिलते थे तो मुंह पर मुस्कराहट और खुशी आ जाती थी। कि कुछ क्षण संत दर्शन सिंह जी महाराज को मिलने के बाद ही सारे दुख दर्द दूर हो जाते थे, क्योंकि उनके प्रोटेक्शन हम सबको मिलती थी। तो हम जाने के वो हम सबसे दूर नहीं, वो आज भी हमारे अंग संग हैं। हम जाने कि उनकी दया मेहर हम सबके साथ हर पल हर क्षण रहती है, चाहे हमें शारीरिक तकलीफ हो, चाहे मानसिक तकलीफ हो, चाहे आध्यात्मिक तकलीफ हो, उनका सहारा हमारे लिए हर तकलीफ में है, और उनकी मदद हम सबके लिए सदा सदा के लिए है। क्योंकि वो चाहते हैं कि हम मन माया के पर्दों से परे हों, वो चाहते हैं हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाएं, वो चाहते हैं कि हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो, और जो वो चाहते हैं वो ज़रूर होता है। हम में से हर एक अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेगा, यही वो प्रण हम सबके साथ करके गए हैं। हम जाने कि वो हमारे अंग संग हैं, वो मुस्करा रहे हैं कि हम उनकी नज़दीकी पाएं, वो चाह रहे हैं कि हम उनकी और बढ़ें, ताकि वो हमें पिता परमेश्वर से एक में कर दें। तो मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, इनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हम सबका ध्यान इन महापुरुषों की ओर हो, हम अपनी इच्छाओं को काबू में करें, ताकि हम तैयार हों उनकी ओर कदम बढ़ाने के लिए। वो हमें हर पल हर क्षण प्रेम से पुकार रहे हैं।
तो उनके प्रेम के रंग में हम रंगे जाएं, और जो जिंदगी का देह है, जो आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराना है, वो इसी जिंदगी में हम सबके लिए पूरा हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये आई बॉल्स आँखों के डेने सीधे सामने फोकस हों, जैसे आठ दस सामने आप फोकस हों। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन या नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सिंची के महापुरुष हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।